हेलो बहन, टीचर सेल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण के जो अप्रैल माह की जो पत्रिका पीडी होती है उससे सारगर्भित क्वेश्चनों को इस वीडियो में मैंने सम्मिलित किया है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं, कृपया सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और तथा अन्य सामग्री आपको मिलती रहेगी तथा इसका पीडीएफ जो है नीचे लिंक में दिया गया है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जी सेट 31 का प्रक्षेपण जो है 6 जनवरी 2019 को फ्रेंच गुयाना के कौरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से एरियन 5 वी सेट 247 जो बोला जाता है उसके द्वारा छोड़ा गया। इसके साथ जो है हेलास सेट 4 जो सऊदी अरब का जियो स्टेशनरी सेटेलाइट था उसको भी छोड़ा गया है। अब हम अगला देखते हैं, एरो इंडिया 2019। तो एरो इंडिया 2019 का यह 12वीं द्विवार्षिक प्रदर्शनी था जो 20 से 24 फरवरी 2019 में मनाया गया है। यह बेंगलुरु के एलहांका वायुसैनिक स्टेशन से प्रदर्शन किया गया है। तो 2 दिन पूर्व रिहर्सल के साथ यह सूर्य किरण एरोविक टीम के द्वारा 2 विमान आपस में टकरा गए थे जिसके कारण यह फेमस हुआ था। अगला देखेंगे, नेशनल वार मेमोरियल। तो 25 फरवरी 2019 को यह राष्ट्र को समर्पित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इंडिया गेट के निकट ही 25 एकड़ में विस्तारित मेमोरियल हॉल है जिसमें 1947 से 1999 तक के स्वतंत्रता से कारगिल युद्ध तक अर्थात जितने भी शहीद हुए थे उनका स्मारक इसमें बनाया गया है तथा 21 जो है परमवीर चक्र विजेताओं की प्रतिमा स्थापित की गई जिसमें 18 जो है मृतक हैं और 3 जो हैं परमवीर चक्र विजेता जो जीवित हैं उनकी प्रतिमाओं का माल्यार्पण किया गया था। अगला देखेंगे, हेलिना। हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है जो डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। यह नाग का हेलीकॉप्टर से छोड़े जाने वाला एक मिसाइल का प्रारूप है। यह 8 फरवरी 2019 को सफल परीक्षण किया गया है। तो चांदीपुर परीक्षण जो केंद्र है जो उड़ीसा में है वहाँ से सफल परीक्षण किया गया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 7 से 8 किमी है। पुलवामा आतंकी हमला, यह 14 फरवरी 2019 को हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के 42 जवान शहीद हुए थे। यह जम्मू और श्रीनगर के हाईवे जो NH है उस पर हुआ था। इसके जिम्मेदारी जो है जैश ए मोहम्मद ने ली थी। 15 फरवरी को पाकिस्तान से MFN का दर्जा वापस लिया गया अर्थात मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया गया था। इसी क्रम में 26 फरवरी को भारत द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था जो बालाकोट में हुआ था। लगभग 350 से 350 आतंकी मारे जाने का अनुमान लगाया गया है। 27 फरवरी पाकिस्तान की F-16 मार्ग गिराने के दौरान भारत के MiG-21 विमान क्रैश हुआ जिसके पायलट जो अभिनंदन जी थे वह पाक द्वारा बंदी बनाए लिए गए। जेनेवा संधि के तहत 1 मार्च को अभिनंदन को पाकिस्तान द्वारा छोड़ना पड़ा। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा दक्षिण कोरिया यात्रा। यह यात्रा 21 से 22 फरवरी 2019 में किया गया। 2018 का सियोल शांति पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को मिला है भारतीय प्रधानमंत्री। द्विपक्षीय व्यापार समझौता दक्षिण कोरिया के साथ हुआ था जिसमें 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। सऊदी अरब के युवराज और प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, यहाँ के उप प्रधानमंत्री जो हैं वहाँ के रक्षा मंत्री भी हैं और इनकी यात्रा क्या है 19 से 20 फरवरी 2019 को हुआ था जिसमें $44 बिलियन के प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट जो विश्व की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी होगी पर संतोष व्यक्त किया गया है। और अगला देखेंगे, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मार्सियो मैक्री की भारत यात्रा। यह यात्रा 17 से 19 फरवरी 2019 में हुआ था। यह आगरा आए उसके बाद दिल्ली उसके बाद मुंबई से ही रवाना हो गए। अगला देखेंगे, हनोई शिखर वार्ता। हनोई शिखर वार्ता 27 से 28 फरवरी 2019 के मध्य हुआ था। यह अमेरिका उत्तर कोरिया के बीच यह समझौता शिखर वार्ता हुई। यह शिखर वार्ता बेनतीजा हुआ और पहली वार्ता इसके पहले पहली वार्ता जो हुआ था
डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के जो शाह हैं, तानाशाह हैं, उनके मध्य सिंगापुर में हुआ था। जिम योंग किम 1 फरवरी 2019 को विश्व बैंक के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा इन्होंने दे दिया। यह दक्षिण कोरियाई मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। अगला देखेंगे बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की स्थिति। तो उस बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 36वां है। इसमें 50 देशों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें भारत का स्थान 36वां है। 2018 में भारत का स्थान जो था 44वां है, अर्थात स्थिति बेहतर हुई है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्रथम स्थान जो है अमेरिका को प्राप्त हुआ है। अगला देखेंगे रिपब्लिकन ऑफ नॉर्थ मेसिडोनिया जो है नाटो का 30वां सदस्य बना है। इसके पहले 29वां सदस्य के रूप में मॉन्टेनेग्रो ने लिया था सदस्यता। अगला देखेंगे 2019-20 के दौरान जीडीपी जो है 7.4 रहने का अनुमान है। यह 7 फरवरी 2019 के मौद्रिक नीति में यह घोषणा की गई है। अगला देखेंगे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018। इसमें क्या था कि 180 देशों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें भारत की स्थिति क्या है 78 है। प्रथम स्थान जो है डेनमार्क ने प्राप्त किया है और अंतिम स्थान सोमालिया ने प्राप्त किया था। अगला देखेंगे 2018-19 में कृषिगत उत्पादन के दूसरे अनुमान में चावल का सर्व रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है। तो किस चीज़ की रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है? चावल की। बाकी जो खाद्यान्न है उसमें गिरावट का अंदेशा है। अगला देखेंगे दक्षिण तटीय रेलवे, यह रेलवे जोन का 18वां जोन रहेगा। मुख्यालय इसका विशाखापत्तनम में होगा। दक्षिण मध्य रेलवे से कटकर यह रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे बनाया गया है। अब देखेंगे सीएसओ का सेकंड अग्रिम अनुमान। सीएसओ ने 2018-19 का जीडीपी 7% निर्धारित किया गया है। पहले जो था यह 7.2% था। देखेंगे अजय कुमार झा। अजय कुमार झा जो हैं 15वें वित्त आयोग के नए सदस्य हैं। दिसंबर 2018 से पहले वित्त सचिव थे। शशिकांत दास जो हैं आरबीआई गवर्नर बने हैं, इनका स्थान ये अजय कुमार झा लेंगे। यह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो एनके सिंह हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला देखेंगे राष्ट्रीय आवास बैंक की समस्त इक्विटी जो है सरकार द्वारा अर्थात आरबीआई द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। अगला देखेंगे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति एनपीई 2019। तो एनपीई 2012 का यह स्थान लेगी। 2025 तक 400 बिलियन डॉलर का कारोबार का लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक 1.9 बिलियन डॉलर में 100 करोड़ मोबाइल का उत्पादन किया जाएगा। अगला देखेंगे ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला सीबीआई के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला देखेंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर का तीसरा मंडल बना है। तो 8 फरवरी 2019 को लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर का तीसरा मंडल बना है। इसका मुख्यालय जो है लेह होगा। अगला देखेंगे मनोज साहनी। मनोज साहनी जो है आईसीसी के नए सीईओ बने हैं। यह डेविड रिचर्डसन का स्थान लेंगे। अगला देखेंगे सुशील चंद्र, यह चुनाव आयुक्त बने हैं। कुल सदस्य 3 हैं। इसमें सुनील अरोड़ा जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, अशोक लवासा हैं, उसके बाद तीसरा हैं सुशील चंद्र। आगे देखेंगे अश्विनी लोहानी, यह एयर इंडिया के चेयरमैन पुनर्निर्वाचित हुए हैं। अब देखेंगे हम ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार 2019 में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है गोल्डन आवर को मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड दिस इज अमेरिका को मिला है। और क्वेंसी जोन्स जो हैं ये संगीतकार पुरस्कार श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। सर्वाधिक ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं अब तक के संगीतकार श्रेणी में। अब देखेंगे हम बाफ्टा पुरस्कार 2019। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रोमा को बाफ्टा पुरस्कार मिला है। ऑस्कर पुरस्कार के श्रेणी में देखेंगे हम सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ग्रीन बुक को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रामी मलेक हैं और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ओलिनिया कोलमैन हैं। लारियस पुरस्कार, लारियस पुरस्कार श्रेणी में देखेंगे स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर
2019 का पुरस्कार जो है नोवान जोकोविच जो सर्बिया का उनको मिला है। स्पोर्ट्स वोमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है जो सिमोन बाइल्स को जो अमेरिकी जिमनास्ट हैं उनको मिला है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार फ्रांस की जो फीफा विश्व कप टीम थी उसको मिला है। स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड का पुरस्कार जो है झारखंड की संस्था है युवा उसको मिला है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखेंगे विनेश फोगाट से संबंधित। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जो महिला पहलवान है विनेश फोगाट, उनको कमबैक ऑफ द ईयर श्रेणी में नामांकित किया गया है। पहला अवसर है जब कोई भारतीय किसी भी श्रेणी में, इसमें 7 श्रेणियाँ होती हैं, किसी 7 श्रेणी में से एक श्रेणी में नामांकित हुई है। अगला देखेंगे नामवर सिंह। तो नामवर सिंह प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार और समालोचक थे। 19 फरवरी 2019 को उनका निधन हो गया है। अब देखेंगे भारत न्यूजीलैंड श्रृंखला 2019, तो इसमें 5 ODI और 3 जो है T20 हुआ था, जिसमें से भारत 4-1 से विजयी रहा है ODI में, और जबकि T20 में न्यूजीलैंड 2-1 से विजयी रहा। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है ODI के लिए मोहम्मद शमी को मिला था। देखेंगे अगला मिताली राज क्यों चर्चा में रही। तो मिताली राज 200 ODI खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं। अगला देखेंगे रणजी ट्रॉफी संबंधित। तो यह रणजी ट्रॉफी 2018-19 यह 85वां 85 जो है रणजी सीरीज थी, जिसमें 37 टीमों ने भाग लिया था। विजेता टीम जो थी विदर्भ थी, उप विजेता सौराष्ट्र। यह मैच नागपुर में खेला गया था, फाइनल मैच। विदर्भ के कप्तान कौन थे, तो फैजल जी थे। इसमें आशुतोष अमन बिहार के जो थे, और रणजी के किसी सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड प्राप्त किए थे। अब देखेंगे हम ईरानी कप। ईरानी कप जो है विदर्भ और शेष भारत के बीच हुआ था, यह मैच अनिर्णित रहा। अगला देखेंगे एशिया कप 2019 फुटबॉल, यह UAE में हुआ था। इसमें कतर और जापान फाइनल में पहुंचे थे, कतर विजेता रहा। फीफा के 2021 में कॉन्फेडरेशन कप में भाग लेने की पात्रता उसको प्राप्त हुआ है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया है कृपया सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करना न भूलें, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद मित्रों।